सावन के चौथे सोमवार पर काशी के सभी शिवालय हर हर महादेव के नारों से गूंज रहे हैं। निर्मोही अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी न्यायालय में विचाराधीन ज्ञानवापी में जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेकर पहुंची, लेकिन पुलिस फोर्स ने उन्हें ज्ञानवापी के गेट पर ही रोक लिया, जिसके बाद नाराज महामंडलेश्वर ने काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर शिव तांडव शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद जो जल वो ज्ञानवापी में जलाभिषेक के लिए लेकर जा रही थी, उसी जल से उन्होंने खुद का जलाभिषेक कर लिया। जलाभिषेक करने के बाद हिमांगी सखी ने बताया कि ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ और दूसरे पक्ष से आग्रह भी करती हूँ कि मुस्लिम पक्ष एक साथ बैठे और इस ऐतिहासिक भूल का पश्चाताप करे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। काशी विश्वेश्वर महादेव, जो मूल काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे अर्धनारेश्वर है, जिस पे हम जल चढ़ाना चाहते थे, पूजा अर्चना करना चाहते थे, मगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि आप उस पे जलाभिषेक नहीं कर सकते। तो ठीक है, जब मैं मूल काशी विश्वेश्वर महादेव पे जलाभिषेक नहीं कर सकती, तो मैंने स्वयं काशी विश्वेश्वर महादेव, मूल काशी विश्वेश्वर महादेव के चौखट पे अपना जलाभिषेक कर, रौद्र तांडव कर, और मैंने वहीं अपना मटका फोड़ दिया जिस जल से मैंने अपने स्नान किया था, और बच्चों ने उस जल से मेरा अभिषेक कर दिया था। मुझे आज भी अफसोस है कि एक वर्ष से ऊपर हुआ, आज तक ज्ञान व्यापी का मुद्दा नहीं सुलझ पाया। और ये मुस्लिम कम्युनिटी को किस बात का डर है? जब जब सर्वों की मांग हुई, जब जब कोर्ट ने आदेश दिए सर्वे के, उस सर्वे के रोकने के लिए याचिका बार बार मुसलमानों ने डाली, ऐसी क्या डर है आपके अंदर? क्यों डर पैदा है आपके अंदर? किस बात का डर है? आपको सब कुछ पता है, इसका मतलब कि वो तथा कथित मस्जिद है, वो मंदिर हुआ करता था, शिवलिंग निकल आया तो आप सब भौरा गए और डर गए कि अब हमारा सारा पोल खुल जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी जो जिन्होंने जिनके हाथ में वो मस्जिद था, वो कुछ न कुछ सबसे छुपा के रखा गया था, अब वो बाहर धीरे धीरे आ रहा है, तो डर बैठ गया उनके अंदर और उसे रोकने की कोशिश कर गई। इसे ASI के सर्वे के लिए भी रोक लगा दी, क्यों बाधाएं पैदा कर रहे हैं? आओ बैठते हैं, जैसे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आज इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है आओ हम आपस में टेबल पे बैठ के बात करते हैं और एकता का संदेश पूरे विश्व में देते हैं। अगर मस्जिद के अंदर शिवलिंग निकला है, तो आपको स्वयं मुस्लिम्स को कहना चाहिए कि ये आपका है, हमारे पूर्वजों ने गलती की है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को मानना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने गलती की है, उस गलती की सज़ा आप क्यों भोगे? आओ और ये मस्जिद जो है, इसे मंदिर में तब्दील करो और हम भी शिव की पूजा करेंगे साथ में। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय UP उत्तराखंड।